बुरहानपुर जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र की 6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर शहर के नागरिकों में गहरा आक्रोश है। बुधवार दोपहर चिलचिलाती धूप और 44 डिग्री तापमान के बीच सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। दरअसल शहर के लोगों ने एक साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। साथ ही आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाकर उसका मकान जमींदोज करने की बात कही। शहरवासियों में आरोपी के खिलाफ इतना गुस्सा था कि 44 डिग्री तापमान में लोग 5 किलोमीटर तक पैदल और ट्रैक्टर से कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कई लोग तो इतने आक्रोशित थे कि उन्होंने मांग की कि आरोपी को जनता के हवाले कर दे ताकि जनता इसका फैसला अपने स्तर पर करे। वहीं नगर निगम अध्यक्ष अनिता अमर यादव ने भी इस जघन्य अपराध के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और क्या मांग क्या जी? बीते 2 दिन पहले बुरहानपुर के प्रतापपुरा मोहल्ले में 6 वर्ष की बालिका के साथ जो जघन्य अपराध जो पुष्टि की गई है प्रशासन के द्वारा कि बलात्कार और हत्या की गई है, इतनी घिनौनी और इतनी जघन्य मानसिकता के साथ ऐसा कृत्य इस शहर में हुआ है जो कि शहर की छवि को धूमिल करता है। इसलिए हम सभी जन समाज के लोग, सभी शहरवासी मिलकर यहाँ पर एक ज्ञापन देने आए थे, जिसमें हमने कलेक्टर महोदया जी से और राज्यपाल जी से ये निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इस घिनौनी मानसिकता से इस कृत्य को करने वाले उस आरोपी को जल्द से जल्द 2 महीने के अंतर्गत फास्ट ट्रैक सेशन कोर्ट के अंतर्गत डाल के और जल्द से जल्द सजा सुना के उसे फांसी दी जाए और उसका जो घर है उसे जमींदोज किया जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसी विचारधारा हमारे समाज के अंतर्गत पनपने की कोई उसका कार्य ही ना हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति शरीर में दिमाग में बात ही न लाए, इस प्रकार का भय पैदा करना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी बालिकाओं बच्चियों का जो भविष्य है वो सुरक्षित तभी होगा जब कानून का भय स्थापित होगा, और स्थापित तभी होगा जब हम कार्रवाई कड़ी करेंगे। इसलिए उस अपराधी को कड़े से कड़े रूप से फांसी देकर मृत्युदंड देने की आवेदन के लिए हम लोग कलेक्टर महोदया जी के पास में उपस्थित हुए। शहर के सभी युवा साथियों के साथ जो बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है उसको लेकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है, और ऐसे अपराधी को तुरंत फांसी की सजा और उनके मकान ध्वस्त किया जाए कि आने वाले कोई ऐसी घटना करने से काफी डरे। मैं प्रशासन और शासन से और न्यायपालिका से भी अनुरोध अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को तुरंत आपके पास मुकदमा आए, तुरंत फांसी की सजा दी जाए। ये हम सब मिलके न्याय दिलाने के लिए एक जगह जमा हुआ। मासूम से बच्ची के साथ जो इतना घिनौना हरकत किया है, वो लड़के ने, उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा सुननी चाहिए। और क्योंकि आज बच्चियां सभी की है, बुरहानपुर में बोलो या लालबाग में, बच्ची के को देखने के लिए मेरा शासन प्रशासन से ये निवेदन है कि वो अधिक से अधिक यदि कैमरे लगा दे पूरे बुरहानपुर में तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसके माध्यम से अपने को जो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है वो चीज़ें बच्चों के साथ होंगा नहीं। और मैं इसके लिए सभी से आग्रह करती हूँ, पूरे बुरहानपुर वासियों से, कि महिलाओं को लेकर सब एक साथ होकर उसके लिए, उस लड़के के लिए फांसी की सजा जल्द से जल्द सुनाना की आग्रह करती हूँ, कि उसको जल्द से जल्द, ज़्यादा समय ना लेते हुए, मेरा तो ये मानना है कि 4-5 दिन में या तो पब्लिक के हवाले उसको कर दो या तो फिर तुरंत उसको फांसी की सजा सुना दो। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिता अमर यादव, नगर निगम स्पीकर बुरहानपुर।